अखनो गरीबी में जी रहल छे जर सुखदेव के परिवार अखनो गरीबी में जी रहल छे ओकरा सब की भेटले किछ नहीं लेकिन अपना सब के आजादी मिलल जै के तहत अपना सब 70 साल आजादी के बिता देलिए लेकिन ओय समय में देश रहे गुलाम आई हम सब गुलाम छी कोन तरह से आई आवाज नहीं उठाबै छी कल हम सब ब्रह्मपुरा पंचायत में गेल रही सब गुड़ा धीरे धीरे सुभुगा के एकटा खाद्य सुरक्षा योजना में धांधली भेल छै शुरुआत भेले का लड़का आवाज उठले गिरधारी जी सर ई आवाज उठलखिन हिनका पूरा गांव के सपोर्ट भेटले हन आई एमओ सब लोग मुखिया सब लोग सब के हम सब विरोध के लिए डीलर से कल जाकर बात केलौ हम सब पंचायत सेवक से बात केलौ धमकी देलिए 5 दिन का अल्टीमेटम देने छै 15 तारीख आई छै 20 तारीख अल्टीमेटम देले के 20 तारीख तक अहाँ सरिया के काज कर दिया नहीं तो हम अपन एक्शन ले यहाँ अपना अधिकारी उपयोग कर रहा छी अखनो हम सब गोटा के आह्वान कर रहे छी अगर कोनो तरह के प्रशासनिक राजनीतिक कोनो तरह के परेशानी हो जे हम जे बुझाए कि हमर हक अछि हमर छीनल जा रहल अछि संगठन से जुड़ू आ संगठन अहाँ के मदद करत कतो 10 आदमी ठाड़ हेबे ओकरा कुचलनाय अत्ते आसान बात नहीं छै एक आदमी के कुचल दे आइ गिरधारी जी ठाड़ भेलखिन हिनका धमकी दलके कि अहाँ के एफआईआर कर देब हिनका विकास मित्र धमकी दलकन के एफआईआर कर देब लेकिन हिनकर पप्पा हिनका सपोर्ट केलखिन हिनकर काज के लिए पप्पा सपोर्ट केलखिन आइ गांव के सब आदमी हिनका सपोर्ट कर रहल छन आइ एमओ विकास मित्र छथि या मुखिया छथि सबके बैंड बाजल छन तो कैले पहले आवाज उठेल छै एक आदमी आवाज उठेबे पीछा से अहाँके 10 आदमी आवाज उठेबे करत ठीक छै अहाँ सबके बताबे छी अपना सब 40-50 आदमी छिए ई टीम छै बेनी मिथिला सुनबनके बेनीपट्टी प्रखंड इकाइ छै कभी हमसे 50-40 आदमी की गलत हुए सबके सवाल उम्र थे अगर हमरे क्यों पूछा तो तू की कॉल अबर बेनीपट्टी में बहुत बड़का बेनीपट्टी छे तो ये चीज जानकारी रखू जहिया भारत आजाद भेल छे ते 36 करोड़ भारतीय रहे और 8 लाख अंग्रेज रहे भारत में तैयो हम सब गुलाम रही मतलब की 450 हिंदुस्तानी पर एकटा अंग्रेज शासन करे मतलब एकटा गांव लेर नहीं सके अंग्रेज से भगत सिंह कहने छथिन कि जे चीज हमरा भेटा लागे कि हम आदि भ जाए छी वह चीज के क्रांतिकारी रूप से बदलाव कर रखे छे निष्क्रियता के क्रांतिकारी के रूप से बदलाव कर रखे छे लोग के साइकिल भेटे छे मोटरसाइकिल के काम ना करे छे नहीं भेटे छे मोटरसाइकिल पर नहीं जाए छे ये की छे जे भेट गेल ओहि में संतोष कर लो नहीं हमर हक की है ओहि के जानबा के छे जना हमरा सब के 2 साल से खाद्य सुरक्षा योजना के नहीं भेट रहल छले ना सुविधा आ आवाज उठल गया तो सब गवा कहे छे कि हां हमरो नहीं भेटला हमरो नहीं भेटला अहां अपन जे नहीं भेटे छले धरना पर अहां चल जात रहलिए कोनो अहां के बदलाव नहीं आयल लेकिन आय आवाज उठलखिन है सब संग देलखिन है जनसंख्या के जहां बात बतावे छी आंकड़ा के तहत भारत की आजादी के समय 36 करोड़ भारतीय रहे और 8 लाख अंग्रेज रहे अहां सब के हम क्यों गोटा के 100 से बेदी स्वतंत्रता सेनानी के नाम नहीं आगे याद है महात्मा गांधी भगत सिंह भले चंद्रशेखर आजाद खुदीराम बोस वर्ष बदाम तत्व कहले तो 20 कह देव 100 हम बढ़ दलो 100 से 20 के याद नहीं याद तो ये सोच लियो 100 स्वतंत्रता सेनानी मतलब 38 करोड़ भारतीय का आवाज बनकर 8 लाख अंग्रेज के हिला देलखिन अपन हक ला तो हम सब अपन हक ला कैला नहीं उठी हमर हक है इस न्यू वीडियो बड़का गामा नहीं है कोई भी नेता जो विधायक है या सांसद रहे अगर हमर मांग है तो हमर मांग पूरा करता कैला ने पूरा करता क्या कि हमका वोट दे के बनाबे छी बड़ से बड़ की करता हम अहा सके कहै छी अगर कोनो गांव समाज के मुद्दा आबे है आ संस्था के सूचित करियो संस्था अहा के मदद करत अहा पीछा रहियो गोली खेला पहले हमर सब के संगठन का अधिकारी तैयार रह या हम तैयार रह चुनू जा तैयार रह जे संगठन का अधिकारी रह तो तैयार रहते गोली खाए जाए लेकिन एक बात छे गोली केले खाब हम सब आवाज उठाबी ब्रह्मपुरे में किछ लड़का कल भेटले तो हमरा कहले तू हम की केना करी जना हमरा सबके किछ मैटर है जाकर हम आवेदन दिए ब्लॉक में या अनुमंडल में हम कहले आवेदन नहीं दू आवेदन देवे तो आगे प्रोसेस में लगे कागजी करवाने के 5-10 दिन के बाद आगे समय ले समय बिता दे सबसे बड़का काज हम 10 लड़का ठाड़ कर सड़क पर रोड जाम कह सके छी ने यौ हमर अधिकार है छी हम कहे छी आज 7 किलोमीटर चल के बेनीपट्टी अबे आवेदन देवे ले नहीं आबे के जो छे के रोड में ते 10 लड़का साइकिल लेकर रोड पर ठाड़ बजा रोड जाम हो गेले अपने ये टेस्ट बोल के पूछला केला जाम के लो हां ई चीज तो कम से कम कह सकते छी निष्क्रियता यहाँ नहीं छी बेनीपट्टी में कि उगना चुक से लोग देपरा ब्रह्मपुरा जाए वाला रास्ता जर्जर छे जिनका पूछलिए गांव में यो वहां के लोग से परेशानी है हां परेशानी है तो क्लियर की तो कुछ नहीं तो कैला निकल गया तो गंवारी का मतलब नहीं छे ठीक छे गंवारी का मतलब नहीं छे मतलब हेते दो चार आदमी के हेते हम ही सब जे उम्र से निकलल छी जे क्लास से निकलल छी हम सब के सब संग ही बहुत निक जगह पे गेलत आगा बढ़ले ओहि में से दो चारटा हम एक तरह से लोग कोशिश की बता रहल छी तई सब ना करले हम सब दो चारटा अपन अलग धरा पकड़ लो ओनाहिते गांव में दो चारटा के बुजुर्गो संग भेटता जखन काल ब्रह्मपुरा हम सब हिनका सबके ओपिनियन के हमर सबके संगठन की छै की करऽ चाहे छी तऽ दूटा बुजुर्ग रहथिन ओ बेलचूरी हमरा सबसे सदस्यता लेलक हमहूँ सदस्य पर मिथिला दुनिया के हमर सबके मोटिव एकेटा छै यानी 6
क्षेत्र और छात्र के विकास, छात्र और क्षेत्र, क्षेत्र से कोनो भी जुड़े छोट से छीन बर पैघ मुद्दा एके टा जे चीज संभव छे, अगर ई सड़क टूटल छे अगर बननाई संभव छे तो हम सब आवाज उठेबे, हम सब ई चीज नहीं कह सकै छी कम से बनवा देबे ओकरा, हमरा सबके पास ओते आय नहीं अछि, हम सब कोनो प्रतिनिधि नहीं छी, हम सब गैर राजनीतिक छी और क्षेत्र छात्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध छी, हम सब आवाज उठेबे, आवाज हर तरहक उठेबे, हमरा सबके अब एहन मतलब संगठन मजबूती के अथी में जा रहल अछि, कल धनजरी गेल रहौं हमसब साँझ में 7 बजे राइट भ गेलै, तहियो 20 से 25 टा लड़का ई सब कलीज कलीज के नेतृत्व में 20 से 25 लड़का 7 बजे से लगकर 8 बजे राति तक हमरा सब संगे हाई स्कूल में रहले अनहार में, आ हमरा सबके बात सुने तो हमरा सबसे सवाल केले से संगठन की छे, संगठन में केले जुड़े चाहे छी, तो अहाँ सबके हम एकटा चीज फिर से दोहराएब कि आजादी भेट गेल अछि जीव के, जीव रहल छी लेकिन अपनो अपना अधिकार से हमसब वंचित छी, हम अपन बात बताबै छी, 3 साल पहले हम थाना जेनाइ से डरै छलियै कि थाना में जाए तो किछ केस करे अपने हमने माता मारे छलियै, लेकिन किछ बुझलियै अपन अधिकार जनलियै, जखन किछ इतिहास के किताब पढ़लियै कानून के किताब पढ़लियै तो अपन इतिहास जनलियै, आइ के डेट में कोनो दिक्कत नहीं, हम कहे चाहे कोनो परेशानी हो जाए SDO रहे है BDO सबसे पहले हम जेबे, मारा कहते तो हम मारबे, क्यों बड़का गामा नहीं बड़ से बड़े की कह लेते गोली मार देते शहीद कर देते, जो ये हेते नहीं हम अहाँ लाइव शहीद भ गेलहुँ, एक जज्बा जगते शहीद भगत सिंह के फांसी के लिए दिल गेल से अहाँ सबको जानकारी है, किनको जानकारी है, शहीद भगत सिंह के आई ने फांसी दल के 23 साल के उम्र में अंग्रेज, क्योंकि ये लड़का बहुत आगा जा रहा है, आई आगा जेते तो अवला समय हमारा भारत की गुलामी गुलाम करके हम रखने चुके हमें आजाद करा पड़त, तो अंग्रेज सब ये सोच चलकर कि 23 साल के अंदर में फांसी दौड़ दिए, बहुत जल्दी फांसी दौड़ दिए, लेकिन फांसी के प्रभाव एहन पड़ल कि भगत सिंह कहने रहते हैं कि हम जगह हमारे जगह फांसी दिल जाए वही के 15 साल में भारत आजाद भ जाए, ये बात सत भेल छे, इतिहास एक गवाह है कि भगत सिंह मरे से पहले कहने छथिन कि जहिया हम मरब वही के 15 साल बाद भारत आजाद है, वो 23 साल के उम्र शहीद भ गेल छथिन, उनका क्रांतिकारी विचार जो 23 साल में रहन वो आय के मनु के 40 साल में नहीं छन, नैतिकता आखिरकार खो गेल छे, क्योंकि वो समय गुलाम रहे तो गुलामी सोच के बारे में सोचबा के आजादी रहे, लोग सोचे कि हमारा आजादी के ना भेटब, आय के डेट में सोचे छे हम ही अपन घर से किछ जना आंदोलन के लिए निकले छे तो हमरा सबके गार्जियन मम्मी पापा बताबे छथिन ऐसे तोरा की फायदा छो, ऐसे तोरा की है तू, तोरा की जाए छो, तो खाना भेटी छो ना, बाकी के की जो छो, तो बाकियों के जो सोचते है भारत गुलामे रहते, अगर भगतो सिंह यह सोचते है आ सुखदेव राजगुरु तो भारत आज गुलाम रहते, आज के डेट में हर माँ बाप भगत सिंह चाहे छे लेकिन अपन घर में नहीं बगल के घर में, तो हमरा सबके प्रोटेस्ट करे पड़त, संगठन में अगर क्यों गोटा युवा सक्रियता के साथ जुड़े छे तो शुरू के पहल सप्ताह पहल महीना पहल साल अहाँ के दुत्कारल जाए, अहाँ के माँ दुत्कारता, पापा दुत्कारता, परिवार दुत्कारत, दोस्त दुत्कारत, तू नहीं पढ़ा वाला चाहे तू जिंदगी बर्बाद कर लेना, नेतागिरी में जा रहा चाहे नेतागिरी नहीं चाहिए, समाज सेवा चाहे क्षेत्र और छात्र के विकास के लिए गैर राजनीतिक संगठन चाहिए, वचन दे छी कि हमेशा ही गैर राजनीतिक संगठन रहते, आई हम कोनो पार्टी के झंडा उठेबे तो कोनो पार्टी पॉलिटिशियन के नेता हमरा 100 रुपया देते खाना खाए ला, 100 रुपया देते तेल ला, 100 रुपया देते हमरा 10 रुपये वाला सह हो पॉलिटिशियन में, वो 100 रुपया दिला के बाद अहाँ ओकर नारा लगेबे कि फलना बाबू जिंदाबाद आ चिलना बाबू जिंदाबाद आ फलना पार्टी जिंदाबाद, लेकिन इस संगठन में अला के बाद अहाँ के पैसा लागत, अहाँ के संगठन में पैसा देव पड़त मजबूत करल, अहाँ नारा नहीं लगेबे, अहाँ आवाज उठेबे अपना ला नहीं समाज ला आवाज उठेबे, संगठन मजबूत भ रहल छे, बेनीपट्टी प्रखंड में हमसब लगभग 7 टा आशा पंचायत में हमर संगठन मजबूत भ चुकल अछि, जना कि बेतौना भेल, पाली भेल, धगजरी, कटैया, फिर परसौना, बेनीपट्टी, ई सब पंचायत हमर सबके टीम में रहल अछि, ग्राम दल भी हमसब बनायब, हमर सबके उद्देश्य अछि फिर से अहाँ सबके दोहरायब कि क्षेत्र और छात्र के विकास के लिए हमसब प्रतिबद्ध छी, अहाँ सब संग दियो, सिर्फ आशीर्वाद दियो आ संग दियो, बुजुर्ग छी पीछा से रहू छाया के जरूरत छै, अगर हमर सबके समकक्ष छी तो संग चलू लड़बा के जरूरत छै, हम सब ई अहाँके आशान्वित करै छी आ वादा करै छी ई संगठन हमेशा गैर राजनीतिक रहते, जिनको सरकार रहें कोनो पार्टी के विधायक रहते सांसद रहते, अगर डेवलपमेंट नहीं करता विकास नहीं करता हुनकर हम विरोध करब, आ कर्मेंता बेनीपट्टी में एहन अछि कि हम सब सड़क से आबे छी, एकटा चीज कहू बेनीपट्टी में जहिया हम सब हमर घर भेल बेनीपट्टी जे 3रा 4था में रहिए मिडिल स्कूल में रहिए मिडिल स्कूल जाइए सड़क किनारे कम से कम 10 कच्चा पकड़ देता पानी पुपिया प्यास लगा था 2-3 छोटाले रहे, लेकिन आई के डेट में बेनीपट्टी के मार्केट में सड़क किनारे अहाँ के ये 10 कच्चा नहीं भेटत, अगर आप बेनीपट्टी के छी तो कोनो होटल में जाकर अहाँ पानी पी लेबे, लेकिन फिर देहात गाँव से आए छथिन होटल में पानी पी वाला जाए छथिन तो होटल वाला गारि पड़े छै, तो केना पानी पीते, जहन बेनीपट्टी बाजार में आए तो प्यासे चल जेते की भेलै, 10 साल में अहाँ सब बदलाव देखियो बेनीपट्टी में सत्ता परिवर्तन भेलै,
बेनीपट्टी के सड़क पर 10 साल पहले कचरा रहे है, बेनीपट्टी के सड़क पर आइयो कचरा छे। हम सब अपन वोट बेचे छी, ईमान बेचे छी। हमरा सा हम कतबो कहिए कि हम अपन वोट नहीं बेचब, लेकिन हर आदमी के का कीमत हो छे। अगर हमरा क्यों कतरा 5000 रुपया दो छे तो फल्ला के वोट दही, हम वोट दिए नहीं, दिए रुपया लोन पे अपन ईमान बेच लेबे। लेकिन हम ही नहीं सोचे छे अपन ईमान बेचला से हमरा घाटा करता है। आज के डेट में 5-7 साल पहले लोग अपन बेटी बहन के पढ़ला नहीं जाते घर स्कूल कॉलेज सब पर, लेकिन आज वो मिथ्या टूटल है। सब कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, लेकिन एक चीज बताबू, वो स्कूल कॉलेज जला से हमारा फायदा की भेट रहा है। आज हमार बहन मानू MA कह गए, BA कह गए, उसके उपयोगिता की है, ओकरा की भेटते? टीचर के नौकरी, टीचर के नौकरी इंटरव्यू बेस पर भेट जाए छे। MA के लागे फायदा की भेटले? कौन एहन बिहार आ मिथिला में अहाँ बताबू कोनो औद्योगिक क्रांति अल कोनो एहन साथी फैक्ट्री चले जैमे MA BA के पास के लाला के भर्ती कैल जाए? एकोटा नहीं छे मिथिला के क्षेत्र में। हम ओहन पढ़ाई के व्यवस्था पढ़ेबे के लगे ओहन बेटी बहन के, आज के डेट में अपन बेटी बहन के अल पढ़ाबे छी कि जते बेसी पढ़ा लेबो उतना कम दहेज लागत, क्योंकि उपयोगिता नहीं छे। उपयोगिता पढ़ाई के उपयोगिता ई रहबाक चाही कि आज हम अपन बहन के पढ़ा लेलो हैं, MA करा लेलो हैं, तो क्या MA लायक नौकरी बिहार में भेटे, मिथिला में भेटे, मधुबनी में भेटे, दरभंगा में भेटे, बेनीपट्टी में भेटे, से नहीं भेटे छे। आज एक मजदूर रिक्शा चालक अगर बेनीपट्टी से कचिक जाए छे दिल्ली, तो 100 रुपया कमाई छे पर डे, लेकिन 100 रुपया कमाए ला जा पड़े छे दिल्ली। हम सब डेवलपमेंट के मतलब की बुझे छे से बताबू छे। मधुबनी से गरीब रथ एक्सप्रेस खुलल, सब बड़ खुश, गरीब रथ एक्सप्रेस खुलल है, पहले खुलल से सोचलिए। अखन अगर मधुबनी से चार्टर ट्रेन खुल जाए, मधुबनी से दिल्ली चार्टर ट्रेन खुलल है, सब खुश। हाँ मधुबनी से ट्रेन खुलल है, फलना बाबू रेल मंत्री छथिन ट्रेन खुलवा दिल्कन। हम सब ये नहीं सोचे छे कि ट्रेन के आवश्यकता पर ले गया, अत आदमी में जते छी, जते आदमी दिल्ली जाए था स्टूडेंट छी, तो कनी पनी घूमे ला जाए छे, दू चार आदमी ट्रेन में कते आदमी जाए छे दिल्ली घूमे ला जाए छे, से कहत क्यों नहीं? 200% आदमी यहाँ नहीं कि दिल्ली घूमे जाए छे, 90% आदमी दिल्ली जाए छे खटल है पेट के खातिर। डेवलपमेंट मतलब यह है कि जहाँ बेनीपट्टी से पलायन भग चल जाओ दिल्ली, ट्रेन ले लें, हमारे से खुश भग लोग जहाँ दिल्ली के लिए ट्रेन खुल रही है। लेकिन डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ही है कि हमारे सबके चीनी मिल बंद पड़ल है। 1995 में चीनी मिल बंद है, 1991-95 के दरमियान चीनी मिल बंद चले आम लोहटा सकड़ी में जो मिथिला क्षेत्र में पड़े थे। उस समय चीनी मिल के यहाँ ऐतिहासिक इतिहास रहा है कि जहिया भारत आजाद मिल रहा है, उस समय में भारत के 40% चीनी के सप्लाई सिर्फ रैयाम लोहटा सकड़ी के चीनी मिल करे। पूरा भारत के चीनी जते सप्लाई हो उसमें 40% चीनी के सप्लाई मिथिला से हो। आज वो चीनी के सप्लाई 4% रह गए, कैले क्या कि वो नेता सब बंद करे थे गले, हम सब आवाज नहीं उठेलिए। शर्म हो आवाज उठाब में, शर्म नहीं करियो, शर्म करब दब जाए। आ उस समय दूर नहीं करे नहीं तो चलित रहा तो भारत गुलाम भेल छे, अखन अपना सब गुलाम छी, आब वाला अपन सबके पीढ़ी ई याद करते कि हमरो पूर्वज गुलाम रहे। गर्व करूं कि हम सब आजाद भेला के बाद आजाद भारत में जन्म लेने छी, तो आजादे रहकर मरबो करी, अपन अधिकार के हनन नहीं होब दियो। आजादी भेटला के बाद हमरा सबके बहुत किछु अधिकार भेटल है, तो हमारा SDO BDO प्रशासनिक पदाधिकारी से लड़बा के हमारा अधिकार भेटल है। हम कैला डरी, मारते वो नहीं मारते, अपन अधिकार ले जेबे। RTI छे 10 रुपया के RTI मारा के चांस के बताबे छे, अगर RTI नहीं मारा भैया तो हमरा से जानकारी लिया, नंबर नोट कर लिया हमर। कोनो भी मुखिया रहे, डीलर रहे, विधायक रहे, SDO रहे, एप्लीकेशन के ऊपर में लिखा कर सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी मधुबनी नीचा विषय देवे के हमरा की चाहिए। मानू मुखिया का सुरक्षा योजना में कते के राशि बटल कैया, कते कान बटल कैया, लिखू नीचा में विषय फलना मुखिया द्वारा के धांधली के संदर्भ में वहां से फलना फलना बात है। मैं यहाँ का आदमी हूँ, हमको ये चीज चाहिए। 200 रुपया के पोस्ट कार्ड के माध्यम से RTI के पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा कर दो, 30 दिन के अंदर में आकर जमा कर, तो हम कहे छी हमरा से संपर्क करू, हमर नंबर लिया, आ सब पर RTI करू, हमर हक है सूचना के अधिकार, अंतिम वर्ड से अधिकारी अधिकार के यूज करू। अखनो बहुत लोग आदमी से अनुभवी छे, आई महाराष्ट्र उड़ीसा आ कर्नाटक ई सब RTI के मामला में टॉप 5 एहन स्टेट छे जे 2005 में RTI अयला के बाद बिहार से ज्यादा ग्रोथ कर गेल। अपन कखन जखन अपन अधिकार के यूज कलकै, हम सब हमरा सबके चाहे कि हम अपन अधिकार के यूज करी। संगठन हर कदम पर अहाँ के संग रहत, अगर अहाँ के खून के जरूरत पड़त खून दे, अगर अहाँ के जान के जरूरत पड़त तो जान दे,
हम सब चीनी मिल आंदोलन के शुरुआत के नीचे 28 मई से मीडिया के माध्यम से कतर गोटा के जानकारी मिला हेतन बाकी गोटा सोशल सेट पर देखने हेतन एक बात यह कि आई की डेट में हमारे मिथिला स्टूडेंट यूनियन सिर्फ बेनीपट्टी में नहीं मिथिला के बहुत रास क्षेत्र में है मधुबनी में है दरभंगा में है सहरसा में है बेनीपुर प्रखंड में है हरलाकी में है मरवापुर में है बेनीपट्टी में है आई हम सब का और इतिहास रचल हुआ है कि रैयाम के बंद पड़ल चीनी मिल जबकि 21-20 साल पहले चीनी मिल बंद भेल ओके अत्य बड़का प्रांगण है कि चीनी मिल के जना अत्तर खेप हो जाते दोसर जगह तो ट्रेन चले बहुत बड़का प्रांगण है वो प्रांगण में पहली बार मिथिला स्टूडेंट यूनियन आज 500 आदमी के भीड़ में झंडा फहरल गई है रैयाम में बहुत विरोध के बाद प्रशासन विरोध करके नहीं फहरा नहीं देंगे जे आदमी लीज पर लेने थे चीनी मिल प्रदीप चौधरी आदमी के नाम के वो कल फोन करके अगर तू सब झंडा फहरेबा तो सबके अरेस्ट करवा देवे लेकिन वो सब घर से निकलल छे समाज सेवा के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानी जे छै तो घर से निकल छै समाज के सेवा के लिए अहाँ के सेवा के लिए बस अहाँ संग दियो आ इतिहास बनेलकै कोनो ने डर के गिरफ्तारी के कोनो डर नहीं चलिया झंडा फहरा चुकल छै 5 आदमी के भीड़ में रही हमने हमरा सबके सिर्फ मजबूत भेनाइ जरूरत है और जहाँ तक बात रहने सब गोटा 16 साल से लग वर्ष भर 25 साल के है शुरुआत छै पढ़ाई के साथ पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करे के छै आ सिर्फ अपन हक लड़ू हमरा लेने लड़ू हमरे अहाँ के बजाब कहियो फल्ला बाबू हमरा दिक्कत है हमरा संगे चलू अहाँ के दिक्कत भर रहा है हमरा बचाओ विकास एना बात है हमरा केना करना चाहिए हम अहाँ के सुझाव देव हम संगठन से हम 10 आदमी अहाँ के देव बेनीपट्टी अहाँ कौन बड़ देहात गाँव के हेबे अहाँ के आवे ला सोच पड़त बेनीपट्टी बेनीपट्टी में स्तंभ दे रहा है कि रात में अहाँ की जरूरत पड़े तो अहाँ के परिवार अगर बीमार पड़ रहा है हॉस्पिटल में भर्ती है फोन करो बेनीपट्टी में अगर सेनानी है तो अहाँ के परिवार के देखभाल करत एक स्तंभ छे छत्ता के नीचे हम आ चुकल छी आज बेनीपट्टी मिथिला स्टूडेंट में बहुत रास एहन आदमी जुड़ल जब राजनीतिक भूख लगल रहे कि हम राजनीति करब आबि कर हम बीजेपी में जुड़ब हम कांग्रेस से छी तो हम कांग्रेस के सपोर्ट करब हम बीजेपी के सपोर्ट करब आज संगठन के एक साल भाग 15 अगस्त 2015 का हम सब स्थापना केने रही बेनीपट्टी में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के आज एक साल भाग बहुत आदमी जुड़ला संगठन से बहुत आदमी हटला सिर्फ ही रीजन से कि पोलिटिकल मूव हुनका अतः नहीं भेटलनि।